साथियों, नेशन फर्स्ट की इस भावना पर चलते हुए हमने जो काम किया उस पर जनता का भरोसा कितना ज्यादा है वो आप इस साल के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। देश की जनता जानती और मानती है कि हमने नेशन फर्स्ट को अपना प्राण तत्व मान करके ही काम किया है। अब इसी मैंडेट से हमें ये आदेश दिया है कि जनता की आवश्यकताओं के साथ ही आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर काम हो। आखिर ये अपेक्षाएं क्या है? ये अपेक्षाएं हैं देश को दशकों को पुरानी चुनौतियों से, उस दल दल से बाहर निकालना। साथियों, जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताना चाहता हूं। साथियों, आर्टिकल 370 और 35A, इसकी वजह से भारत ने जो भोगा है वह भी आप जानते हैं, और अब कैसे इस चुनौती का समाधान किया गया है ये भी आपने देखा है। आर्टिकल 370 को हमारे संविधान में पहले दिन से अस्थाई कहा गया है, टेम्पररी कहा गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों और कुछ परिवारों के राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इसे साइकोलॉजिकली स्थाई मान लिया गया था। ऐसा करके उन लोगों ने संविधान की भावना का अपमान किया, उसे नजरअंदाज किया। आर्टिकल 370 की वजह से जो अनिश्चितता बनी उसने वहां अलगाव फैलाने वालों को हौसला हवा दी। हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इसको हटाकर देश के संविधान की सर्वोपरिता को पुनर्स्थापित किया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के नए मार्ग खुलने की शुरुआत हुई है। साथियों, देश के सामने एक और विषय था जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, सैकड़ों वर्षों से, दशकों से अलग अलग अदालतों में इस पर सुनवाई हो रही थी, और ये विषय था अयोध्या का। पहले जो दल सत्ता में रहे उन्होंने इस संवेदनशील और भावात्मक विषय को सुलझाने के लिए इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई, वो इसमें अपना वोट खोज रहे थे, इसलिए अदालतों में इसे अटकाने के लिए जोर लगाते रहे। कोई कारण नहीं था कि ये विवाद पहले हल न होता, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की स्वार्थ भरी राजनीति ने अयोध्या विवाद को इतने दिन तक खींचा। अगर ऐसे लोगों का बस चला होता तो इस विषय को ये लोग कभी सुलझने ही नहीं देते।